नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार टेकड़े। YouTube के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CSC वॉलेट में पैसे कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने CSC के पोर्टल में लॉगिन हो जाइए दोस्तों। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अकाउंट पे जैसे ही आप आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे वॉलेट पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद इसे ऐड मनी आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही ऐड मनी पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से खुल जाता है दोस्तों। तो इसमें ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको कितने पैसे ऐड करना है ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ 200 रुपये ऐड कर देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे आपको ये पेयू मनी, सिट्रस और सीसी एवेन्यू, ये तीनों में से आपको एक चूज़ करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप चूज़ करेंगे, मैं पेयू मनी से ऐड कर देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक कुछ भी एक रिमार्क डाल देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ दोस्तों। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको इसमें रिफ्रेश या बैक बटन पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, एक डेबिट कार्ड और एक नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से आप ये इसमें से बैंक चुन सकते हैं। अगर इसमें नहीं है तो यहाँ से आप बैंक चुन सकते हैं दोस्तों। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, अपना ATM कार्ड, तो मैं इससे चुन लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। आपके कार्ड पे यहाँ देखना है क्या है, मास्टर कार्ड होगा आपका तो ये, यहाँ वीज़ा कार्ड होगा तो अदर स्टेट बैंक का होगा तो मास्टरो कार्ड, मेरा रुपए डेबिट कार्ड है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं मेरी डिटेल फिल कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका कार्ड पे जो नाम है, अगर आपके कार्ड पे नाम है तो आपको ये डाल देना है दोस्तों। यहाँ पे आपका CVV नंबर जो ATM कार्ड के पीछे होता है वो नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपको ATM कार्ड की डाल देना है दोस्तों। और उसके बाद आप इसे पे नाउ कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही आप पे नाउ कर देते हैं दोस्तों, तो एक देखिए यहाँ पे अभी हो गया दोस्तों मेरा, अभी यहाँ पे तो मेरा OTP आ जाएगा दोस्तों मेरे रजिस्टर मोबाइल पे दोस्तों। तो वो OTP मेरे को यहाँ ऐड कर देना है दोस्तों। ये थोड़ा वक्त लेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे अभी OTP डाल देता हूँ दोस्तों। तो मैं OTP डाल के यहाँ इसे सबमिट कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, पेमेंट सक्सेसफुल, ये आप पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली टॉप अप 200 सक्सेसफुली। ये देखिए दोस्तों, मेरा पहला बैलेंस 229 था और अभी ये 200 रुपये, ये 229.05, ये मेरा सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।